हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के सवालों को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक सीखेंगे। आपने एकदम सही शब्द सुना, निंजा टेक्निक। निंजा शब्द रिप्रेजेंट क्या करता है ये सभी को मालूम है। निंजा का मतलब जब भी हम मुंह से निंजा बोलते हैं तो हमें समझ में आता है बहुत स्पीड, बहुत फास्ट। तो आज जो मैं मेथड आपको सिखाने वाला हूँ ये बहुत ही फास्ट है। आप सवालों को 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अगर अधिक से अधिक किसी सवाल को आपको सॉल्व करने में लगा समय तो 10 सेकंड सवाल पढ़ने के बाद अधिक से अधिक 10 सेकंड लगेगा, और सवाल पढ़ने में 10 से 15 सेकंड जो लगता है वो आपका नेचुरली लगेगा ही लगेगा। और ये ऐसे वैसे सवाल नहीं है जो एग्ज़ाम में कभी कदार एक आध सवाल आ गए, मैं उन सवालों की बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट करके, इवन तो हर एग्ज़ाम में पूछता है, रिपीट करके पूछता है और बार बार पूछता ही रहता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक लेकर आया हूँ, और आपको ये लेक्चर देखने के बाद में आपको मालूम चलेगा कि आप सवालों को पहले कितनी देर में सॉल्व करते थे और उन्हीं सवालों को आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना किसी समय का नुकसान किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे सवालों का पैटर्न है वो इस तरीके का रहने वाला है। एक एक करके 2-3 पैटर्न के सवाल है, मैं सारे क्लियर करूंगा कि हमारा मेथड क्या रहेगा। एक बहुत सिंपल सा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है। सवाल इसको सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कितनी देर में करते हैं ये मैटर करता है। एग्जाम में अगर आप हर सवाल में थोड़ा थोड़ा समय बचाएं तो आपके पास में बहुत सारा समय बचेगा जो आप किसी दूसरे सवाल या किसी अच्छे सवाल में लगा सकते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से सवाल का उत्तर करते हैं। लेकिन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इसमें कभी भी आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सारे ऐसे किसी भी तरीके के सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे भाग चला जाए, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी संख्या बताइए इनसे भाग चला जाए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए इससे भाग चला जाए, या कोई एक नंबर है जिसमें अगर हम इससे इससे भाग देते हैं तो शेष हमारा ये बचता है, या कोई परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें इस इन नंबर से भाग चला जाए। पैटर्न क्या है, मतलब हमें नंबर दिए गए हैं और हमें ये बोला जा रहा है कि इन नंबर्स में जो भी हमारा उत्तर है इनमें कई सारी छोटी छोटी संख्याओं का भाग चला जाता है, इसमें ए बी सी डी से भाग चला जाता है, या कई बार होता है कि ये रिमाइंडर भी बचता है, कई बार होता है कि ये स्क्वायर रहता है। तो इतने इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं इसमें हम लोग ये निंजा टेक्निक लगा सकते हैं, सवाल को विद इन 3 to 5 सेकेंड के अंदर हल कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये सिर्फ आप इसी सवाल में नहीं लगा सकते, इवन तो आपका कोई भी सवाल है जहां पे आपका कैलकुलेशन आ रहा है और आपको अगर ये तरीका मालूम है तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो। इवन तो किसी भी सवाल में, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल हो, चाहे आपका मेंसुरेशन का सवाल हो, जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन होता है कैलकुलेटिव सवाल में आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा तरीका हमारा ये होता है कि जो भी हमारा उत्तर है, जो भी हमारे ऑप्शन है, हम इनका यूज करते हैं। जैसे सवाल में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है, तो हमें ये मालूम चला कि हमारे पास में पॉसिबिलिटी सिर्फ इन्हीं 4 नंबर्स की। आप देखिए मैंने डेट और शिफ्ट के साथ में ये लिखा हुआ है कि ये किस एग्जाम में है, अलग 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 एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट करते रहते, तो मैंने सारा का सारा डेटा ले लिया है ये प्रूफ करने के लिए कि ये एग्जाम का सवाल है और ये बार बार रिपीट भी करता है। तो हमें मालूम है कि इन्हीं 4 नंबर में वो नंबर है जिसमें 12 का भाग चला जाता है, 18 का भाग चला जाता है, 21 का भाग चला जाता है और 30 का भाग चला जाता है। तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी का नियम कुछ पढ़ रखा है कि जैसे अगर 2 से भाग जाएगा तो क्या सिस्टम होता है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमें कुछ चेक करना पड़ता है, 3 से डिविजिबल है तो हमें कुछ चेक करना पड़ता है, 4 से डिविजिबल है तो हमें कुछ चेक करना पड़ता है, जिसको हम लोग डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। तो हम लोग ऐसे सवालों में डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का नहीं। और ये जो डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लगाएंगे तो ये सवाल आप देखिए कितनी जल्दी से खत्म हो जाएगा। और डिविजिबिलिटी रूल लगाते समय प्रेफरेंस आप देखिए, हमेशा 9 को पकड़िए, 9 या 3 हो गया या 5 हो गया या 10 हो गया, इन सारे नंबर्स को पहले पकड़ेंगे, 11 हो गया, जिनका डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान है, बहुत ही फास्ट है, ऐसे नंबर्स को पकड़ के हम फटाफट डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। जैसे हमसे कह रहा है कि 18 से भाग चला जाएगा, अगर 18 से भाग जाएगा तो 9 से भी भाग चला जाएगा, तो सबसे पहले फटाफट चेक कर लो 9 से किस में भाग जाएगा। सम डिजिट का सम 7 बनना है, 9 से भाग नहीं जाएगा, 6, 3, 9 डिजिट का सम 9 बनना है, 9 से भाग चला जाएगा, 6, 3, 9 डिजिट का सम 9 बनना है, 9 से भाग चला जाएगा, 2, 1, 3, 3 डिजिट सम में 9 से भाग नहीं जाएगा। अब हमारे पास में कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन। अब आप मेरे को बताइए कि ये 4 ऑप्शन को चेक करने में आपको कितना समय लगा। मान लो हर एक ऑप्शन को आपको चेक करने में 1 सेकंड लगा, 4 सेकंड हो गए, 9 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है।
अब अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इसमें और हम क्या चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास में 21 है, 21 में मुझे तीन तो ऑलरेडी हो गया, 9 में 7 दिख रहा है, बाकी 10 है तो सभी में भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा। और अगर दोनों में जैसे भाग जाता है तो हमें क्या करना है कि दो ऑप्शन में छोटे वाले नंबर को पकड़ना है, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या। अगर मान लो बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो हम पहले बड़े वाले नंबर को चेक कर लेते, दो ऑप्शन में छोटे वाले को चेक कर लेते। अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 × 7 = 56, भाई भाग चला जा रहा है। अब देखो 10 से भाग चला जाएगा मतलब इससे भाग चला जाएगा, 7 से भाग चला जाएगा मतलब 7 से भी चला गया, 9 से है तो 3 से भी चला जाएगा, 9 से है इवन नंबर है 2 से भी चला जाएगा, 12 से जाने के लिए 4 से भाग जाना है 4 से भी भाग चला जाएगा, मतलब ये छोटा भी और इन सबसे भाग भी जा रहा है, मतलब यही हमारा आंसर है। और अगर ये एक बार आप तरीका समझ गए तो जब आप सवाल लगाओगे ना तो आपको बहुत फास्ट होगा। एक सवाल में मैंने आपको सारा बेसिक तरीका सिखाया, अब आगे के सवाल में देखिए इसको हम कितनी फास्ट कर सकते हैं। ये आरआरबी जेई में आया था, अब ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 तथा 3 से पूर्णतः विभाज्य है। वैसे तो ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी में तो बहुत सारे बड़े नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये एग्जाम में जो लैंग्वेज है गड़बड़ लिखी हुई है, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी है, इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लिख दिया है या जिस भी किताब से मैंने निकाला है वहां पे गलती से लिख गया होगा, मैंने किताब से क्वेश्चंस निकाले हैं छाटे हैं, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बतानी है, यहाँ पे आपको 15 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, तो मैंने देखा कि भाई 27 में 9 आता तो सबसे पहले 9 से देख लेता हूँ, भाई 0 सभी में तो 30 से भाग जाएगा ही जाएगा, 0 सभी में तो 5 से भाग जाएगा, 9 से देख लेता हूँ, 8 × 7 = 15 नहीं जाएगा, 900 जाएगा, 81 8 × 7 = 15 नहीं जाएगा, अब दो ऑप्शन बचे। अब हमें छोटी से छोटी चाहिए, बड़ी से बड़ी नहीं चाहिए, छोटी से छोटी चाहिए, तो 810। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो जैसे हमारे पास में ये दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, 27 को ही पकड़ो, 27 को क्या है कि 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, मतलब 9 से भाग जाएगा और उसके बाद फिर 3 से भी भाग जाएगा। अगर मान लो नंबर में हमने 9 से भाग दे दिया तो उसके बाद क्या है, 3 से भी भाग दे सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को देखूं तो ये लिखा हुआ है 9 × 100 और ये लिखा हुआ है 9 × 90, आप मेरे को बताओ 9 से भाग दे दिया ये 9 खत्म, अब बचा 100 और 90, इसमें 3 का भाग जाएगा कि इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हालांकि ये सवाल इतना कठिन नहीं है, इसको हम लोग सवाल से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप देखोगे कि जब हम लोग इसको बड़े सवालों में लगाएंगे जो कठिन होता है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, जिसमें पूछा जाता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसमें आपको एलसीएम तो निकालना है उसके आगे भी उसको बढ़ाना है, उन सब सवालों में ये टेक्निक और ज्यादा फायदा करती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 6, 9, 12, 13, 15 से विभाजित होने वाले सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बतानी है, फिर से आपको पकड़ना वही है, जहां पे 9 मिले तो 9 को पकड़ लो, 9, 6, 3, 9, ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 9 से भाग नहीं जाएगा, 9, 6, 3, 9, 9 से भाग जाएगा, 9 लो खत्म, कहानी खत्म। देखो एक जेई में था, एक एनटीपीसी में था, ग्रुप डी में, देखो सेम तरीके के सवाल है, कहानी खत्म, हमारा आंसर आ गया सी, 3 ऑप्शन में 9 से ही भाग नहीं जा रहा है, अगर 9 से भाग नहीं जा रहा तो मतलब 3 ऑप्शन हो नहीं सकते, ये हमारा आंसर। कितनी देर में हल हो गया, 3 से 4 सेकंड में, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। कोई एलसीएम निकाला, नहीं निकाला, कोई उसको 4 नंबर तक लेके करे, भाग दिया, कुछ किया नहीं किया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाज्य है। 12, 20, अगर मैंने 20 बोला तो भाई ये तो सीधे सीधे हट जाएगा क्योंकि अंत में 0 चाहिए, 12, 20, 32 और 44, तो 12 में आपने पकड़ो 3, हमने क्या बताया 9, 3, 11 ये सब पकड़ते हैं, उसके बाद 44 में 11 है, इसको पकड़ेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अगर मैं 3 से बात करूं तो 5, 2, 7 ये नहीं होगा, 8, 6, 14 ये भी नहीं होगा, लो 3 से एक पहले काट दिया, 2 और काट दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ रही है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल लगा के हम लोग एलसीएम एसएफ के सवालों को कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है 12, 18, 20, 25 से पूर्ण विभाजित होने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 18 है, 9 से भाग जाना चाहिए, इसमें 9 से नहीं जाएगा, इसमें 9 से जाएगा, 5, 4, 9, 9 से जाएगा, 8, 1, 9, 9 से नहीं जाएगा, हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि छोटे अंक निकालना है, छोटे संख्या निकालनी है। 25 है, इसमें भी 25 से भाग जाएगा, इसमें 25 से भाग जाएगा, 20 से भी भाग चला जाएगा, अब हमारे पास में क्या बचा, 4 बचा, 4 से भी भाग जाना चाहिए ना, यहाँ पे 12 है, 12 का मतलब क्या हो गया, 3 × 4, 4 से भाग जाना चाहिए, तो आप मेरे को बताओ क्या इसमें 4 से भाग जाएगा, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, साफ साफ दिख गया कि भाई अंत में 50 है, अगर 50 में
चार से भाग देंगे तो चार से भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर मान लो नहीं, इसमें भी भाग जाता, इसमें भी भाग जाता तो हमसे पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ये वाली हो जाती, वही हमारा आंसर हो जाता। उम्मीद है कि बात क्लियर होगी। ये देखिए आरआरबी एएलपी में आया हुआ सवाल है 2018 के सेट में। आप देख रहे हो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें पूछा ना जा रहा है। जेई में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, एएलपी में पूछा जाता है, पैरामेडिकल में पूछा जाता है, आरपीएफएसआई में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। सीजीएल में पूछा जाता है, सीपीओ में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है, सीएचएसएल में पूछा जाता है, स्टेनो में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है और बार बार आता ही रहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। हमको इनमें बताना है कि वर्ग होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इन सबसे भाग जाना चाहिए। अब देखो मुझे इसमें क्या मिला, 3 और 5, तो अगर मैं 3 से बात करूं 6, 4, 10 इसमें भाग नहीं जाएगा, 9, 4, 13 इसमें भाग नहीं जाएगा, 6, 3, 9 और 144 इन दोनों में भाग चला जाएगा। 5 से भाग जाएगा ही, 20 से भाग जाएगा ही, तो बचा क्या 8, 8 से भाग जाना है। अब हमें क्या याद रखना है कि कौन सा सबसे छोटा वर्ग है। हो सकता है इसमें भी भाग चला जाए, हो सकता है इसमें भी भाग चला जाए, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, छोटा वर्ग चाहिए। तो हम छोटे वाले को पकड़ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसमें 8 से भाग दूं तो 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 से भाग चला गया। बाकी सबसे मैंने पहले ही चेक कर लिया, 15 से भाग चला ही जाएगा, 20 से भाग चला ही जाएगा, 8 से भाग चला गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताओ मैंने कोई पूर्ण वर्ग निकाला, एलसीएम निकाल के उसको पूर्ण वर्ग बनाया, नहीं बनाया, ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया। फटाक से आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13, 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। फिर से वही 9 आ गया। अच्छा देखो ये सवाल तो थोड़ा अलग तरीके से हल कर सकते हैं, इसमें हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं। देखो इसको हल करने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर वर्ग है, क्या है, कोई भी अगर वर्ग है तो वर्ग के अंत में भाई अगर मैं 10 की बात करूं तो क्या 10 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर वर्ग के अंत में जीरो की बात करेंगे या तो 2 जीरो आएगा, या तो 4 जीरो आएगा, या तो 6 जीरो आएगा, या तो 8 जीरो आएगा। मतलब जो भी जीरो होंगे हमेशा वो सम संख्या होंगे, इवन जीरो हमेशा यही होगा, जितने भी जीरो होंगे उनका नंबर सम होगा, क्योंकि भाई 10 का स्क्वायर करते तब 100 मिलता है, 100 का स्क्वायर करेंगे तब जाके आपको 10,000 मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं, या तो 2 जीरो मिलेगा, या तो 4 जीरो मिलेगा, या तो 6 जीरो मिलेगा। तो भाई ये 3 ऑप्शन देख रहे हो आप, सब में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो ये कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा डी, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने कोई स्क्वायर बनाया, नहीं बनाया ना, बिना स्क्वायर बनाया आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। अब देखो क्या है, इसमें एक शेष बचने वाला भी सवाल हो गया। बच्चे क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। कोई बात नहीं, कह रहा है एक शेष बचता है। अगर किसी नंबर में हम भाग दे रहे हैं और हमारा शेषफल बच रहा है एक, जैसे अगर मैं बात करूं 16 में अगर मैंने 5 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। अगर मैं शेषफल को इस नंबर में से घटा दूं तो क्या बचा, 15, 15 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब जो भी हमारा उत्तर है, अगर मैं उस उत्तर में से ये जो शेषफल है इसको घटा दूं तो मेरा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मैंने बोला ऑप्शन में ये 4 थे, अब मुझे क्या है कि सब में एक घटा दो, ये हो गया 420, ये हो गया 60, ये हो गया 840 और ये हो गया 210। अब मुझे इन सब में चेक कर लेना है कि किसमें किसमें भाग चला जाएगा। सबसे पहले तो आपको यह देख लेना है कि 5 से भाग चला जाए, 3 से भाग चला जाए, तो 3 से इसमें भी जा रहा है, 3 से सभी में 3 से जा रहा है, तो ये वाला तो आपका वर्क नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं 4 से, तो 4 से इसमें भाग नहीं जाएगा, बाकी सब में 4 से भाग चला जाएगा, 5 से सब में भाग चला जाएगा, बचा क्या 7, 7 से भाग देना है और 7 में याद रखना है कि क्या है, छोटा से छोटा होना चाहिए, तो इसमें 7 से भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो इसमें भाग चला जाएगा, अब इसमें भी 7 से भाग जा रहा है, इसमें भी 7 से भाग जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटा वाला चाहिए, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। भाई सवाल में लिखा है ना छोटी संख्या चाहिए, अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन में भाग जा रहा है लेकिन हमें छोटी चाहिए, तो हमने छोटा वाला ले लिया, बड़े वाले को इग्नोर कर दिया। बात समझ में आ गई, और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। इस पे कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। ये जो सवाल होता है ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, जब आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप हमारे टेक्निक से करोगे, निंजा टेक्निक से, तो ये सवाल देखना कितना तुच्छ सा हो जाएगा। कह रहा है किससे किससे भाग जाना चाहिए, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी।
पांच से भी जा रहा है, दो से भी जा रहा है, मतलब अंत में या तो पांच होगा या तो जीरो होगा। मतलब पांच से भाग जाने के लिए पांच और जीरो हो सकता है, और दो से भी भाग जाना चाहिए तो अंत में जीरो होना चाहिए। मतलब अंत में जीरो होना ही चाहिए। कब? जब आप दो घटा दो भाई, क्योंकि शेष दो बच रहा है, तो भाई आठ में से दो घटाओगे तो क्या आएगा? छह। अंत में जीरो आएगा? नहीं, भाग नहीं जाएगा। दो घटाओगे अंत में जीरो आएगा? हाँ, चला जाएगा। दो घटाओगे छह आएगा, भाग जाएगा? नहीं। दो घटाओगे साठ, छह आ जाएगा, सॉरी जीरो आ जाएगा, भाग चला जाएगा। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है कि किसमें हमारा सात से भाग चला जाएगा, या अच्छा चलो अभी हम लोगों ने ये छह वाला देखा नहीं है, हमारे पास में दो ऑप्शन है। इन दो ऑप्शन में हम ये देख लेते हैं ना कि छह से कौन भाग चला जाएगा। अब यहां पे अंत में आपका क्या है? सात और दो नौ, नौ 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 नौ, सब ये नौ है। मतलब अगर इसमें से मैंने दो घटा दिया तो यहां पे सत्तर बचेगा। अब ये हमारा छह से भाग जाना चाहिए, तो छह से भाग जाएगा? नहीं। ये भाई इनमें तीन से भाग चला जाएगा, इसमें तीन से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें से अगर दो घटा देंगे तो कितना बचेगा? साठ बचेगा। इसमें तो तीन से भाग चला जाएगा, इसमें भी तीन से भाग चला जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर, ये हमारा मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा तीन से भाग नहीं जा रहा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। ना हमने कोई एलसीएम निकाला, ना हमने कोई कैलकुलेशन किया, बस हमने ऑप्शन देखा और मन में कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन अगर आप मन में करते हो तो एक से दो सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। ये उसी तरीके के सवाल। बात क्लियर हो गई सभी को? आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा? लास्ट वाला। क्लियर? चलो, अगर किसी को ये देखना है कि जो भी हम कर रहे हैं ये सही है कि नहीं सही है, तो आप बेसिक मेथड से एक बार कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, आप देखो कि आपको कितना समय लग रहा है और ऑप्शन से करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में तीन शेष बचता है। तो देखो ये तो खत्म, इसमें से तीन घटा दोगे तो 100 से 25 से भी भाग नहीं जाएगा, 20 से भाग नहीं जाएगा, 10 से भाग नहीं जाएगा, अंत में क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो अगर मुझे तीन घटाना है तो इसमें घटाएंगे तभी 300 मिलेगा, इसमें तीन घटाएंगे तो कितना मिलेगा? तीन मिलेगा। इसमें तीन घटाएंगे तो अंत में कितना मिलेगा? छह मिलेगा। और इसमें भाग जाएगा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो कौन सा है? बी। अगर बी हमारा उत्तर है तो उत्तर है, अगर बी हमारा उत्तर नहीं है तो कोई भी उत्तर नहीं है। तो इन सभी सवालों को हम लोग डिविजिबिलिटी से सॉल्व कर लेते हैं या ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सभी में हम लोग क्या लगा रहे हैं? डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में तीन शेष बचता है। क्या करना है? तीन घटा के भाग दे लेना है। अगर आप देखो 25 से भाग जा रहा है और यहां पे 16 से भाग जा रहा है तो अंत में भाई जीरो बनना चाहिए और तीन शेष बचना चाहिए, तो ये नहीं, यही आंसर आ जाएगा एक ही बार में खत्म। अभी तो इसमें मैंने तीन वाला भी चेक नहीं किया। बोलो बात सभी को क्लियर हो गई? क्योंकि जब इसमें आप तीन घटाओगे तो अंत में जीरो आएगा, इसमें तीन घटाओगे तो अंत में कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। इसमें तीन घटाओगे तो भाई किसी में ना तो इसमें 25 से भाग जाएगा, ना इसमें, ना इसमें, इन तीनों में 25-25 से भाग जाएगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचा जो है सी, जिसमें आपका आंसर आएगा तीन घटाने पर। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी हम लोग क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, तो जैसा सवाल बोले, कह रहा है इसमें हम कौन सा नंबर जोड़ दें, इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो जोड़ दें कि इन सबसे भाग चला जाए। फिर से पकड़ना क्या है आपको? तीन, पहले तो तीन पकड़ना है। तो अगर मैं इसके डिजिट सम की बात करूं तो छह कितना बच रहा है? सात। सात में क्या जोड़ दें? सात में छह जोड़ेंगे तो तीन से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। सात में सात जोड़ेंगे तो तीन से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। सात में आठ जोड़ेंगे तो तीन से भाग जाएगा? हाँ, 15 हो गया, 15 में तीन से भाग चला जाएगा। सात में सात जोड़ेंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, जो कि आंसर हमारा क्या? सी ऑप्शन। कोई कैलकुलेशन किया? किसी भी तरीके का कैलकुलेशन किया इस सवाल में? आप इस सवाल को बेसिक से हल करके देख लो कि आपको कितना समय लगता है, और आप इस टेक्निक से हल करके देख लो कितना समय लगता है। आपको समझ में आएगा कि इस टेक्निक से आप बहुत जल्दी हल कर सकते हो, और ये टेक्निक सिर्फ इन्हीं सवालों में नहीं लगती। मैंने आपको बताया कि जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है आप कंपाउंड टेस्ट में भी लगा सकते हो, मेंसुरेशन में भी लगा सकते हो। आपको मालूम चला कि जो नंबर है उसमें आप सात से गुणा कर रहे हो, और पूरा जो ऑप्शन आपको दे रखा है आप फटाक से देख लो कि भाई किस ऑप्शन में सात से भाग जा रहा है। अगर मान लो तीन ऑप्शन में सात से भाग नहीं जा रहा, सिर्फ एक ऑप्शन में सात से भाग जा रहा है, तो वही उत्तर हो गया, क्योंकि या 11 की डिविजिबिलिटी आप फटाफट चेक कर सकते हो। मेंसुरेशन में 11 का मल्टीपल बहुत मिलता है, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, या आपको टेक्निक समझ में आई होगी। और इस निंजा टेक्निक पर और भी, मतलब ये जो सीरीज है इस पर मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, निंजा टेक्निक सीरीज,
जिसमें और भी सेशंस लूंगा अलग अलग तरीके के सवाल जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं और उन सवालों को आपको करने में ज्यादा समय लगता है, उन सवालों को मैं छोटे छोटे तरीके से सॉल्व करने के लिए निंजा टेक्निक लेकर आऊंगा, जिससे आप उन सवालों को जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी एक आध दो सवाल ऐसे आते हैं जिनमें कई बार ऐसा होता है कि जब आप टेक्निक लगाओ तो भी आपको उतना ही समय लगता है और बेसिक लगाओ तो भी उतना ही समय लगता है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम बराबर में ही हैं, एक सवाल में बराबर है लेकिन दूसरे सवाल में तो बहुत जल्दी हो जा रहा है। जैसे इन सवालों में देखो हमको कितना कम समय लगता है, जितना ज्यादा कठिन सवाल होगा उतना ही समय आपको कम लगेगा, जितना ही आसान सवाल होगा उतना ही दोनों से समय बराबर होगा। जैसे इजी सवाल में आप एलसीएम भी आसानी से निकाल सकते हो, टेक्निक भी आसानी से लगा सकते हो, जल्दी निकल आएगा, लेकिन जितने भी कठिन सवाल होंगे, टफ सवाल होंगे, उसमें टेक्निक बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और भी लोगों को ये तरीका मिले, टेक्निक मिले, जिससे वो सवालों को जल्दी से सॉल्व कर सके।